ગુજરાત અને દીવના માછીમારોને દરિયાઈ સીમા પરથી પાકિસ્તાન મરીન દ્વારા અપહરણ કરીને જેલમાં ધકેલવામાં આવેલ છે અને માછીમારોને લાખો રૂપિયાની કિંમતની બોટો પણ કબજે કરવામાં આવી છે. માછીમારોને વેદના જાણવા માટે 8 સંસદ સભ્યો સાંસદ શશી થરૂરની આગેવાનીમાં મીટિંગનું આયોજન કરાયું હતું, જ્યારે દરિયાઈ સુરક્ષા જવાનો સાથે મીટિંગ યોજાઈ હતી અને આ બાબતે વિગતો અમરસિંહે આપી હતી. મુજે નહીં લગતા કે એસે સંવેદનશીલ મામલે નરેન્દ્રભાઈ કો રાજનીતિ બીજેપી કો હરદમ કટ્ટર પાકિસ્તાન વિરોધી માને, લેકિન પાકિસ્તાન સે એસે સુધારને કે લીએ સકારાત્મક પહેલ પાર્ટી ને કિયા. મેં તો બીજેપી મેં નહીં હું, વો બીજેપી નહીં થી અટલ બિહારી વાજપેયી મુશરફ ખાન કો બોલે મુશર મુશરફ ખાન કે इसके बावजूद वो लाहौर बस यात्रा पर गए. फिर नरेंद्र भाई जब आए तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया. नवाज शरीफ के वैवाहिक निजी कार्यक्रम में भी प्रोटोकॉल तोड़ करके गए. अगर समन्वय नहीं बनाते तो कहते कि मुसलमान विरोधी हैं, उन्हें गाली देते हैं इसलिए झगड़ा हुआ. समन्वय बनाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहे हैं. मेरा मानना है कि बीजेपी ने बड़ी हिम्मत की अटल जी के टाइम में भी और मोदी जी के भी टाइम में भी. उन पर यह आरोप नहीं लग सकता कि आपका मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए मन में विरोध है, इसलिए आपने कोशिश नहीं की. जितनी कोशिश अटल जी ने और नरेंद्र भाई ने की है किसी नेता ने हिम्मत भी नहीं. लेकिन एक कुत्ते की धुन जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये मछुआरों के साथ नहीं, उन जवानों का क्या दोष है जिनका गला काट के ले गए, गुप्तांग काट के ले गए या सिर का पता नहीं चला, धड़ मिला है, उन निरपराध लोगों का क्या दोष है. और मेरा मानना है कि बड़े आदमी पर हमला कोई नहीं करता है, हरदम मछुआरे सामान्य सैनिक बनते हैं. हम जामनगर में इतनी बड़ी रिफाइनरी अंबानी की है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कराची ज़्यादा दूर नहीं कि छूट. तो जब भी समाज में कोई विसंगति होती है तो बड़े आदमी पर असर नहीं पड़ता, जवान मरता है, मछुआरा मरता है. और नरेंद्र भाई के ऊपर या बीजेपी पर, विशेष रूप से नरेंद्र भाई पर आरोप लगाना, हाल ही में मैं अहमदाबाद गया था, उनके बड़े भाई सोमा भाई का इलाज एक खैराती अस्पताल में हो रहा था और छोटे छोटे बच्चों का भी इलाज हो रहा था और इलाज बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन जैसा सामान्य लोगों का इलाज हो रहा था गरीबों का, वैसा ही प्रधानमंत्री के बड़े भाई का हो रहा था. यानी सबका अच्छा इलाज हो रहा था और हम एम्स भी देखते हैं और अहमदाबाद का वो अस्पताल भी देखा. इसलिए पूरी ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी का के विरोध की राजनीति करने के बाद अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छा बोलना है. अगर ये राजनीति है तो हमें इस राजनीति को करने में बोलने में कोई गुरेज नहीं. सब टॉप पर है, इस पर राजनीति हो रही है, आप कमेटी के मेंबर हैं, क्या लगता है सरकार मछुआरों के कोई राजनीति नहीं हो रही है? सर मछुआरों के जो समस्या है वो हल होती दिखती है आपको? अगर हम लोग सब लोग एक सुर में बोलेंगे तो जरूर हल होती दिखेगी. एक मछुआरों की भी गलती है, ज़्यादा मछली पकड़ने के लालच में कभी कभी वो भी खतरा मोल लेते हैं. सबसे बड़ी गलती कही है, मजबूरी कही है, वो गुर्बत और गरीबी है और यहाँ पर और कोई काम नहीं है. इसलिए जब तक इस गुर्बत और गरीबी से लड़ाई नहीं होगी, और यहाँ तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जो लोग बंद हैं उनको रोज़ कुछ ना कुछ दिया जा रहा है. और हम अन्य प्रदेशों में देखते हैं गरीब जिसका कोई सहारा नहीं होता उसे कुछ नहीं मिलता. अच्छा सर, एक बात ये भी है कि आप पाकिस्तान कमेटी से बात करेंगे कि यहाँ से जो मुद्दे हैं वो, ये हमारा अधिकार नहीं है. हम ज़्यादा से ज़्यादा संबद्ध सरकारी विभाग को सलाह दे सकते हैं, इस समिति के पास सलाह देने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है.